के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश में दो अलग अलग भारत बसते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष छात्र, आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार लेकर आया हूँ। एक ओर हमारे पास ऐसा भारत है जो तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास विश्व स्तरीय IT कंपनियां हैं। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है और हम वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्याएं भी हैं। हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है। जहां एक ओर हमारे पास अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ओर हमारे पास विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और संस्थान है जहां से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर विश्वभर में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। वहां के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी है दोस्तों। हमारे पास विश्व स्तरीय अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं हैं जहां से लोग उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। वहां के लोग बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। एक ओर हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश में आज भी महिलाओं को लेकर भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश की हर महिला को समान अधिकार और अवसर मिले। हमारे देश की संस्कृति और परंपराएं भी दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक ओर हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसे हम गर्व से सजोए हुए हैं, और दूसरी ओर हमारे समाज में आज भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में हर महिला, हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश के दोनों हिस्सों के बीच की खाई को पाटेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश का हर नागरिक समान अवसर और सुविधाओं प्राप्त कर सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में हर महिला को समान अधिकार और सम्मान मिले। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को एक बेहतर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए पूर्ण योगदान देंगे। हम सब मिलकर अपने देश के विकास और प्रगति पर योगदान देंगे। भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।